सो वेलकम बैक अगेन। अभी हम जा रहे हैं मिस्टर वृंदन पटेल के कॉलेज में कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड कंप्लीशन लेटर लेने। यस, नाउ ही इज फाइनली ग्रेजुएटेड। हाँ, यस ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। 2 साल के बाद हो गए हैं। ऑनलाइन ही पढ़ लिया, ऑफलाइन 2 साल ऑनलाइन ही पढ़ लिया। हमारा भी अभी तक ऑनलाइन ही स्टडीज चल रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम CDI कॉलेज के अंदर, और वैसे अंदर का व्यू मैं दिखा तो पाऊंगा नहीं, बट आई विल ट्राई कि जो लोग CDI कॉलेज के अंदर आ रहे हैं उनको दिखाऊं कि वो कैसे दिखती है। सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं। आज टोपी के बिना आए हैं तो बाल की कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी पूरे दिन। ये रही CDI कॉलेज और ये रही एंट्रेंस। तो फिर अभी हम CDI कॉलेज से निकल रहे हैं, जॉब फेयर के 2-4 क्लिप्स ले लिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए हम फिर से किसी और दिन पे भी आने वाले हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन में। गार्डन मतलब फ्रेंच में भाई उसको गार्डन को गार्डन यानी जार्डिन, और बॉटनिक इज बॉटनिकल रिलेटेड है। तो बहुत जल्द हम CDI कॉलेज में आकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कार्ड दे दिया उन्होंने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अभी हम पहुंच चुके हैं बॉटनिकल गार्डन के पास, और यहीं पे है ये बायोडोम जो पिछली बार मैंने इसका ब्लॉग कवर किया हुआ है। ऊपर आई आइकन के पास आया होगा, उधर दिखा देता हूँ। बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पर इंसेक्टेरियम है, फिर प्लैनेटेरियम है जो प्लैनेट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है, फिर उसके बाद ओलंपिक्स का जो स्टेडियम है वो, और ऐसी 5-6 चीज़ें, बायोस्फीयर भी है। ये सब स्पेस फॉर लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आता है। तो अगर आपको कभी भी ये सभी जगहों की टिकट्स लेनी हो तो स्पेस फॉर लाइफ की जो वेबसाइट है उधर जाकर लेनी होगी, और स्टूडेंट आईडी होती है तो सभी को $16 में टिकट मिल जाती है, बाकी एडल्ट्स के लिए $22 चार्ज करते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रहा है। तो अभी ये समर्स आए हैं इसीलिए सभी प्लांट्स को उगाया जा रहा है, धीमे धीमे सभी चीज़ें उगेगी और फिर और भी वंडरफुल। सभी को मैं बता दूं कि बॉटनिकल गार्डन में एक बार पहले भी आ चुका हूं, बट तब थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हुई थी और उस वजह से यहां पर एक भी पेड़ पे एक भी सिंगल पत्ता नहीं था, और हमको ऐसे ही जाना पड़ा। उस समय टिकट लेना इंपॉर्टेंट था ही नहीं क्योंकि कोई चेक नहीं करा था। फिर हमें पता चला क्यों, क्योंकि विंटर्स में बॉटनिकल गार्डन में क्या ही इंजॉय करोगे, क्योंकि कैनेडा का वेदर ऐसा है कि सभी सिंगल पत्ते भी झड़ जाते हैं। और अभी हम समर्स के टाइम पे आए और अब हम इंजॉय करेंगे ये व्यू। यहाँ पर हमें टिकट दिखा कर अंदर आना चाहिए, और टिकट हमने ले लिया बट फिर भी कोई है ही नहीं। तो बॉटनिकल गार्डन आ रहे हो तो $12 के अंदर आपको पार्किंग की टिकट्स भी मिल सकती है। अब हमें एक्सप्लोर करना है वो है आज चाइनीज गार्डन, बायोडाइवर्सिटी सेंटर, और फर्स्ट नेशन गार्डन और जैपनीज गार्डन। बाकी सब चीज़ें 4:30 बजे बंद हो जाती है, हम थोड़े से लेट हो गए इसीलिए हम ये सब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कब तक खुला है भाई ये? 6 बजे तक खुला हुआ है सब चीज़। हाँ, और ये जो है इंसेक्टेरियम, ये बहुत ही बेस्ट जगह है, इसकी सेपरेट टिकट लेनी पड़ती है। अभी हम यहाँ से एंटर हुए हैं और हाँ सफर, अभी हम यहाँ से तो ये जो एरिया है ये इंसेक्टेरियम है, इसकी सेपरेट टिकट लेनी पड़ती है, और अगर आपके पास टिकट यहाँ की नहीं है तो यहाँ से ले सकते हो। ये दी गई है थोड़ी नॉलेज बॉटनिकल गार्डन की। इंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पर कैफेटेरिया है, तो समर्स में अगर आपको कोई ड्रिंक्स लेनी हो तो दिस इज़ अ गुड प्लेस।
यहाँ पर एंटर होते ही वो भीगी मिट्टी की जो स्मेल होती है वो आने लगी। जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच में ही बॉटनिकल गार्डन आना चाहिए। मैप के अनुसार चाइनीज गार्डन है इस जगह पे, तो अभी हम जा रहे इधर। इसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि चाइनीज गार्डन में क्या क्या कवर हो रहा है। आई थिंक यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम लोग, फिर अंदर तक एक्सप्लोर करना है। और ये रहा मेन द्वार। बहुत मजा आती धूप होती तो। कुछ चाइनीज ट्यून प्ले हो रही है बैकग्राउंड में। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। पूरा बादलों से लेकर जमीन तक जो भी व्यू आ रहा है ना, फील हो रहा है जैसे कि चाइना में आ गए। अब आगे चलते हैं वरना फिर जापानीज गार्डन छूट जाएगा। देखो मुझे इसका मतलब तो पता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं अंदर। कितना बेस्ट व्यू आ रहा है। इन दूसरा पार्ट है गार्डन का, लुक एट द फ्लावर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी पेड़ों को और प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से कट करके मेंटेन रखा गया है। और फिर यहाँ बनाया है एक आर्टिफिशियल ब्रिज जिसके सामने एक ब्यूटीफुल लेक है और सामने आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल चाइनीज टेंपल। तो ये था चाइनीज गार्डन, यहाँ से हम जा रहे हैं जापानीज गार्डन में। चाइनीज गार्डन ऐसा हम लोग मस्त क्रिएटिविटी कुछ बना देते, कितनी पब्लिक देखने को आई। बहुत सी पब्लिक आएगी इंडिया में। यहाँ पर फूलों की जो खुशबू आ रही है अप्रतिम, बहुत माइंड ब्लोइंग। और फिर जो स्ट्रक्चर रेडी किया है वो तो बेस्ट। ये देखो हाँ, ये बैम्बू के प्लांट्स है राइट, छोटे छोटे। ये मेरे घर पे मैंने पता है मुझे। Start your visit here. इंडिया में ना हमारे ट्यूशन से हम लोग एक बॉटनिकल गार्डन की ट्रिप पे ले गए थे, उसका भी सेम मैसेज था इंटीरियर। उसका नाम क्या था, ये कुछ पेंटिंग्स। और अब यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही है वो है जापान की ट्यून्स। तो ये है टैटामी मैट्स, इन पे वो ऐसे करते हैं वज्रासन जैसे हम करते हैं ना ऐसे बैठ। देख के कुछ अच्छा लगा, ऐसे कुछ अलग दिख रहा है।
ये है इनका ट्रेडिशनल फूड। सुशी, सुशी जापानीज फूड है ना? हाँ। ओके, सुशी जिसने नहीं खाई उनको मैं सजेस्ट करूँ कि एक बार ट्राई करा करो, मस्त आती है। क्यों वृंदन भाई, बनाने भी उतनी हार्ड है। तो चलो यहाँ भी जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लव इले द हिरोशिमा, फिर तो पता नहीं क्या है। तो इंग्लिश में उस साइड लिखा हो। 1998 का है शायद, नीचे साल लिखा है 1998 नहीं लिखा है। ये वहीं का मेड है इसलिए ऑथेंटिक लग रहा है। हाँ, तो जिसको जापानीज आती है वो कृपया इसे ट्रांसलेट करके मुझे बताए। बाकी बहुत ही अच्छी चीज थी ये ट्री, बहुत ही गजब तरीके से उगाया गया है। भाई ये इसकी रूट कहाँ है? अच्छा, ये पेड़ यहाँ से हो गए और ऐसी एक नहीं दो तीन है। ऐसे इंडिया में है ऐसी कितनी जगहें बॉटनिकल गार्डन के नाम से। द थिंग इज कि हम लोग है ना ये सब चीजों पे फोकस नहीं करते घूमने फिरने में। ओहो, ये तो घना जंगल है। ये डेसीडियस फॉरेस्ट है। डेसीडियस फॉरेस्ट, चार पांच चीजें थी रेन फॉरेस्ट नाम सुना है। जो उस समय हमने रट्टा मारी थी और अभी इसीलिए याद नहीं है। ये है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जापानीज गार्डन। ये किसी गिलहरी का बॉडी से बना हुआ है। ये सब एनिमल्स एंड ट्रीज बाय प्रोडक्ट है। जैसे जापानीज गार्डन के अंदर जो ट्रीज उगती है ना उसके सही पूरा मतलब इसमें बर्च ट्री का कुछ हो सकता है। बर्च ट्री का बार्क है, फिर स्प्रूस गम, सेडर का गम है एंड रूट्स है। ये वो जो गम है, गजब की कारीगरी। ये देखो बास्केट बनाया है सब, आइडल्स एंड स्टैचूज। मैं जब विंटर्स में आया था ना तो ये सारी चीजें बंद थी और हाँ कुछ नहीं था यहाँ पर। बल्कि ये पत्ते दिख रहे ना मेरे को, यहाँ से क्लियर दिख रहा था कि 2 किलोमीटर बाद क्या है क्योंकि एक भी पत्ते नहीं थे। जापानीज गार्डन यहाँ पर खत्म हुआ लेकिन जापान के लोग यहीं पे अभी जो नेचर की और बर्ड्स की वाइब्स आ रही है इससे इसकी स्पेशलिटी और डाइवर्स हो रही है। ड्यूरिंग द जर्नी अगर आपको प्यास लगी है तो ये चीज़ है जो मोस्टली हर जगह होती है पानी पीने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं इधर से देखो। तो अभी हम जा रहे हैं अल्पाइन गार्डन में। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है वहाँ वहाँ तक आपको अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स एंड ट्रीज दिख रहे होंगे। तो ज़रा सोचो कितना प्लानिंग के साथ ये स्ट्रक्चर रेडी किया होगा इन लोगों ने। वैसे यहाँ के लोगों के लिए नेचर और छोटा सा एक पेड़ का पत्ता भी तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्रीनरी और नेचर को बचाने पे बहुत फोकस करते हैं। और अब हम जाने वाले इसके अंदर, तो ये है एग्जीबिशन गार्डन्स, को दिखाते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है।
ये प्लांट्स तो उग गए और इन्हें उगाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से है। ओके, समटाइम्स आई थिंक कि वर्ल्ड इज़ टू बिग, क्योंकि जब मैं ना इंडिया में था तो वो फ्लावर शो नहीं देख पाया जो मेरे घर से बहुत नज़दीक था, अहमदाबाद में ही था, बहुत वेल नोन था। एंड समटाइम्स आई थिंक वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल, क्योंकि इंडिया से सीधा यहाँ आकर मैंने वो चीज़ देखी जो ज़्यादातर लोग अक्सर नहीं देख पाते। और वो भी मतलब काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आँख से तो देखा है ना वो चीज़, तो कैसे अपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आर्टिफिशियली नेचर को डेवलप किया हुआ है, और कनाडा में ये पार्ट तो है कि ना नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। तो एक और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो टाइमिंग्स जो है वो देख लो, क्योंकि 6 बजे तक ये बंद हो जाता है सभी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें 4:30 बजे भी बंद हो जाती है। और अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से टाइम और एनर्जी लेकर आओ। हम लोग बिना खाए पिए कुछ ऐसे ही आ गए थे यहाँ पर। फाइनली अभी 6 बज चुके और अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल मैं एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को क्यों इतना एक्सप्लोर करने के वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर ही इतना बेस्ट है कि आप नेचर को एंजॉय करने के लिए जितना टाइम दो उतना कम है। हम तो यहाँ पर दोपहर में आ रहे हैं और शाम को निकल जा रहे हैं, लोग यहाँ पर पूरा पूरा दिन निकाल रहे हैं और फिर भी उन्हें कम लगता है। यहाँ के लोग जो यहीं पर रहते हैं फिर भी वो हर साल आते हैं, सोचो कुछ तो बात होगी यहाँ के नेचर में। दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस शुड एंजॉय इट। एंड अभी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और कुछ खाने पीने के लिए हम निकल रहे हैं। साथ अभी हम लोग बॉटनिकल गार्डन से एग्जिट ले रहे हैं और ये था जो एक्सप्लोर हमने कर लिया। चाइनीज़ गार्डन एक्सप्लोर किया, फिर जापानीज़ गार्डन भी किया, अल्पाइन फॉरेस्ट जो था वो थोड़ा नया था जो सोचा नहीं था वो भी कर लिया, फिर हाँ फ्लावर्स एग्जीबिशन था वो एग्जीबिशन एक एग्जीबिशन था वो भी एक्सप्लोर कर लिया। और अब रह चुका है तो सिर्फ एक काम, वो है पेट पूजा का। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लोग कनाडा जाके स्टूडेंट वीज़ा पे इतना इंजॉय कैसे कर रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सब लोग यही बोलते हैं कि तू तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, मैं बाहर खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, वीकेंड्स पे पोस्ट एंड स्टोरीज आ रही है, यूट्यूब पर हर वीक एक वीडियो आ रहा है, क्यों भाई? वो मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल आप नहीं जानते, वो सिर्फ सैटरडे संडे का हम सोशल मीडिया पर देखते हो। तो देखो सोशल मीडिया वाली जो जिंदगी मेरी आप लोग देख रहे हो ना, वो जिंदगी एक अलग ही चीज़ है, वो एक झूठ है, सच्चाई कुछ और है जो यहाँ पर आके लोगों को पता चल पाती है। ऐसे कितना भी कुछ बता दूँ मैं नहीं बता पाऊंगा, वो खुद जब सेल्फ एक्सपीरियंस होगा तभी पता चलेगा। हाँ तो फिर ऐसे जो भी सोच रहा है कि हमारी जिंदगी में बहुत ही फाइनेंशियल है यहाँ के यहाँ के बारे में जो जो भ्रम है आपके वो सब आप दूर करो। ये तो क्या मजबूरी में हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है तो हम बाहर खाने जाते हैं, जब हमारे पास जिंदगी में लोनलीनेस दूर करना रहता है तो हम घूमने आते हैं। वही है ये है वो, इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। हम इस जगह को अलविदा कहते हैं और जाने से पहले बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी इस जगह पे आप आने का प्लान कर रहे हो तो फिर आप जुलाई के बाद आओ, और जुलाई से लेकर अक्टूबर समटाइम्स इन रेयर केस नवंबर तक भी आप आ सकते हो एंजॉय करने के लिए। अभी हम लोग आए हुए हैं जून में, वैसे अगस्त में यहाँ पर अगस्त 13 को होली फेस्टिवल है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो जो मॉन्ट्रियल में रह रहे उन सभी को मैं बता दूँ कि आप होली फेस्टिवल में भी आ सकते हो। बाकी की डिटेल्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ले लेना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादातर वीडियो में मैं ये बोलना भूल जाता हूँ लेकिन इस बार याद है मुझे। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।